हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी फ्री फायर खेलते हो, फ्री फायर ओपन करते टाइम जब भी आप खेल रहे हो आपका फ़ोन हैंग हो जाता है, यानी कि आपकी स्क्रीन जो है फ्रीज हो जाती है, आपको जो है कुछ भी इसमें यूज़ नहीं कर पाते, जिसे हम हैंग होना भी कहते हैं। तो अगर आपके मोबाइल में इशू आपको देखने को मिल रहा है, चाहे आपके जितने भी GB रैम हो, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए इसमें किस तरीके वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो चलिए गाइस, मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन बता देता हूँ क्या करिएगा। सबसे पहले अगर आपकी स्क्रीन बिल्कुल अटक चुकी है, यहाँ पर आप जो है कुछ भी टच भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर बैक भी नहीं कर पा रहे हो, आप जो है अपने एक स्क्रीन पर फंस चुके हो, तो आप क्या करना है, पावर बटन दबाना है, ठीक है। पावर बटन दबाने के बाद जो इंटरफेस आता है आपके सामने पावर ऑफ और रिबूट का, यह नहीं आएगा, ठीक है। आपको जो है 10 से 15 सेकंड तक लगातार दबा के रखना पावर बटन को, और आप देखेंगे कि आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा, ठीक है। अपने आप ही कोई ऑप्शन नहीं आएगा, आपका फ़ोन जो है रिबूट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट जैसे होएगा आप देखेंगे कि जैसे आपका फ़ोन ऑन होगा आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन है बैक हो जाएगी, ठीक है, और आप जो है अपने बैकग्राउंड में से गेम को रिमूव कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, आपको क्या कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हो, जब भी आप गेम खेलो तो आप क्या करना है, बैकग्राउंड में जितनी भी एप्स सब क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ आपकी जो गेम है वही ओपन होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है आप क्या कर लेना है, सेकंड सॉल्यूशन बता देता हूँ मैं आपको। मोबाइल की सेटिंग्स में आइएगा, मोबाइल की सेटिंग्स में आने के बाद अबाउट फोन पे आइए, यहाँ पर आपको स्टोरेज मिलता है, स्टोरेज में आ जाइए। अब गाइस यहाँ पर देख पा रहे हैं 6 GB अवेलेबल है, तो इतना यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि आप अगर आप गेम को अच्छे से रन करना चाहते हो तो आप क्या कर लेना है, आपको जो है अपना 10 GB या फिर कम से कम 8 GB तो आपको खाली रखना है, ठीक है, और मैक्सिमम जितना रखना चाहो कर सकते हो, लेकिन कम से कम 8 GB आपके फ़ोन में खाली होना चाहिए, तभी आप गेम को इजीली रन कर पाओगे, ठीक है। बेसिकली आपको अपने स्टोरेज को खाली करना है थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट यहाँ पर अगले सॉल्यूशन के बारे में। अब इसके लिए कैसे आपको क्या करना है, जो भी हैवी ऐप्स है आपके फ़ोन में, ठीक है, जो मतलब बहुत ज़्यादा आपके स्टोरेज खा रही है या फिर जिसका आप मतलब बहुत ज़्यादा यूजेज करते हो आप उसका, ठीक है, हैवी ऐप आप समझ गए होंगे, ठीक है, जिसकी स्पेस वगैरह ज़्यादा खाती है, तो आप समझ गए बाकी मेरी बात को, ठीक है। तो आप क्या करना है, उन सभी एप्लीकेशन को डिलीट कर देना जो आपके किसी भी काम में नहीं आ रही, जो एकदम वेस्ट पड़ी है फ़ोन में, तो आप क्या करना है, उन सभी को डिलीट कर देना, ठीक है। गाइस ये काम को कर लेना, ये काम करने के बाद जो है आप देखेंगे आपका हैंगिंग इशू कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब पूरा ख़त्म तो नहीं होगा, आगे मैं आपको बताऊँगा पूरा ख़त्म कैसे होगा, यहाँ पर जो है इससे आपका जो है हैंगिंग इशू कम हो जाएगा, ठीक है। ये काम कैसे कर लेना, ये काम करने के बाद आपके मोबाइल में क्लीनर एप्लीकेशन होगी, यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आपके पास MI का मोबाइल है तो डेफिनेटली उसमें आपको क्लीनर एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। आप क्या करना, टाइम टू टाइम इस क्लीनर एप्लीकेशन को यूज़ करते रहना, अभी मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, इसलिए आपको जो है टाइम टू टाइम, अगर आप टाइम टू टाइम नेम कर सकते हैं तो जब भी गेम खेलो उससे पहले तो एक ना एक बार इसे जरूर क्लीन कर लीजिएगा, ठीक है। ये काम आपको कर लेना है। अगर यहाँ पर इससे आपका जो है गेम फिर भी फ्रीज हो रहा है तो क्या करें, अपने गेम को ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद अपने ग्राफिक्स को स्मूथ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ना आपको स्टैंडर्ड करना है ना आपको अल्ट्रा करना है, आपको एकदम स्मूथ पे कर लेना है। अगर यहाँ पर आप अपने गेम को एकदम स्मूथली रन करना चाह रहे हो तो आपको स्मूथ ग्राफिक्स कर लेने हैं, इससे गाइस आपकी रैम जो है इससे आपकी गेम जो है बिल्कुल ही यहाँ पर हैंग नहीं होगी, ना आपका फ़ोन हैंग होगा, बिल्कुल एकदम स्मूथली गेम रन करेगी, ठीक है। गाइस ये सभी काम आपको कर लेने हैं, इनसे गाइस आपकी हैंगिंग इशू रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर कोई वीडियो बना दूंगा। सो गाइस बस गाइस आज के लिए मैं ये बताना था, होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं।